अभी से हम उसी पर आते हैं कि गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में कहा है, यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर। अब युद्ध से कठिन कार्य कोई नहीं हो सकता, और उसमें भी मालिक को याद करने का निर्देश है। यही तरीका उस परम पिता के पाने का 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में गीता जी में कहा कि उस परमात्मा की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उसका मंत्र 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बता है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, हमने अपने सदग्रंथों को आधार मान के और फिर भक्ति करनी चाहिए। वैसे धूल में लठ लगाने से कोई फायदा नहीं। अंधाधुंध कितना कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, ढूंढा ठा रहे हैं, कोई तप कर रहा है, कोई व्रत रख रहा है, तो ये कहीं प्रमाण है इन साधनाओं से किसी को कोई प्राप्ति हुई? तो इस प्रकार उस सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने बताया है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यानी नाम का सिमरण करना है, चलते फिरते उठते बैठते भोजन खाते समय भी आप सिमरण कर सकते हैं। अब जैसे किसान के पास बहुत समय होता है, खेतों में जा रहे हैं, घूम रहा है, अपना भक्ति करता जावे, पशुओं के लिए चारा लाता है तो सिमरण करता जावे आवे, यानी सिमरण में समय अधिक लगाना होगा। अन्य जैसे शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, तो वो अपनी दुकान पर बैठे हैं, ग्राहक आया, उसको डील किया, उसके बाद फ्री होते ही फिर सिमरण शुरू कर दे। लेकिन मन की आदत है, काल ने ऐसा कुछ हमारे अंदर प्रेरणा कर रखी है कि भक्ति ना करके बाकी कुछ भी कर लो, और कितने डले डोलो कति मन हार नहीं मानता। एक समय किसी व्यक्ति को किसी उसके गुरु ने बताया कि तू जाप करवा दे, इतने जाप करवा दे, किसी मंत्र दे दिया श्लोक सा, तो उसके लिए उसने कोई और ब्राह्मण तो मिले को नहीं, उस अपने गुरु से पूछा, जी ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं, मैं किसी और से करा सकता हूँ? कहाँ, मैं किसी से करा दे, फिर इतने मंत्र करा दे तू। वो गया वहाँ पर लेबर चौक पर, लेबर चौक पर दो व्यक्तियों से कहा भी ऐसे ऐसे काम है, आप यहाँ क्या दिहाड़ी लेते हो एक दिन की डेली? उन्होंने बताया कि हम 15 रुपये लेते हैं। और क्या काम करते हो? कि सारा दिन तसले ढोते हैं, मिट्टी डालते हैं सड़कों पर या किसी के घर पर। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें 30 रुपये दूंगा और बढ़िया भोजन दूंगा और बढ़िया कपड़े दूंगा, तुम मेरे यहाँ काम कर दोगे? क्या काम है बताइए? कि वहाँ एक मंत्र का जाप करना है। वो दोनों बोले ठीक है, हम कर देंगे। और भी दूसरे कहने लगे, हम भी चल पड़ेंगे। वो कहने लगे, अभी दोनों की आवश्यकता थी, ये दो तैयार हो ही लिए। उन दोनों को ले आया, उनको कहा पहले तुम स्नान करो, स्नान किया और बढ़िया भोजन कराया, स्वच्छ कपड़े पहना दिए, जैसे धोती लपेटा करते पहले, वह धोती दे दी उनको बढ़िया, और कहा ये माला ले लो और ये मंत्र बोलते रहो, 8 घंटे ड्यूटी करो तुम अपनी, 8 घंटे यहाँ, और 30 रुपये दूंगा, वहाँ 15 लेते थे। अग जी ठीक है, बहुत अच्छी बात, निहाल हो गए। और जी कितने दिन कराओगे? अग भाई 3-4 दिन कराने पड़ेंगे। अग जी और किसे ना बुलाइयो? अग ना भाई ठीक समय न, और क्या जरूरत है, डेली इतने करने हैं, तुम कर ही दोगे? कहाँ जी कर देंगे। अब उसने बैठा दियो माला देगा हाथ में, उन्होंने 1/2 घंटा तो कराया, फिर 10-5 मिनट और कराया, फिर उन्होंने सोची रहा तरा कद भैया कद बजेंगे 8 घंटे हुए। तो दोनों ने बोले भाई ले पकड़ त्री माला अरिया त्री धोती, हाँ मारा बनाओ 8 घंटे तेरे को बैठा रहा इसमें बंद के।
वो छोड़ के सारा सामान और पैर का अपने वो कपड़े वो लेबर चौक पा खड़े हुए 15 रुपये में सारे दिन वो डले डो लिए। वहाँ सुख बैठ कर मंत्र ना करा गया। इस मन की इतनी गंदी आदत है यार, एक पेट के लिए आप कितनी मेहनत करते हो, पशु भी थक जाता हमने देखा, क्योंकि दास का किसान परिवार में जन्म था। सुबह से लेकर शाम तक हाल ही हल जोतता है, उसका कोई घंटों का हिसाब नहीं। सुबह 6 बजे चला जाता है, शाम ने 6 बजे छोड़ता बैलों को। और कई एक का ऐसी व्यवस्था होती है, फिर चारा काट के सिर पर रख कर लाता था, बैलों को तो छोड़ देता था, वो अपना चारा चरते थे और वो हाथ से उनकी चारा काटता था और फिर उनके लिए सारा चारा डालता था। फिर लेन देन जो घर का उसको करता है, पशु से भी ज़्यादा कार्य करता है एक पेट के लिए इंसान, और एक भगवान के लिए 10 मिनट नहीं निकालने देता। यो इतना दुश्मन है आत्मा का, तो पुण्यात्मा इसके जाल को समझना है अपने, और भक्ति भक्ति के हिसाब से होगी, जैसे भगवान ने बता रखी, अपने मनमुखी नहीं करनी। अब जैसे कावड़ लेने जाते हैं बोड़ी श्रद्धालु आत्मा है, वहाँ से लेकर वहाँ तक पैदल जाते हैं, कई बार तो पैदल आते हैं और पैरों में छाले पड़ जाते हैं, पट्टी बांध बांध कर और चलते ही रहते हैं, और उन नैनों कह दे तो ये एक मंत्र की माला फेर दे छोड़ कर चाडू, इतना लंबा मंत्र 108 मंत्र क्यों करोगे। शुरू में सट्राई करने लग जाता है ये मन, इतना वो है, ये उल्टे काम करने में राजी और अच्छे काम में इसकी बिल्कुल रुचि नहीं बनती। तो इस भक्ति से, ज्ञान से, परमात्मा के अंकुश से ये मन फिर आपको भक्ति करने देगा, ना भक्ति ना करने दे, और कुछ भी कर ले, तपस्या कर ले सारा सारा दिन, कोई कोई वर्षों तो खड़े रहते हैं, क्योंकि वहाँ मन का सहयोग होता है। और मन ये काल है, ये चाहता है कि परमात्मा की भक्ति ना करके यो प्राणी बाकी कुछ भी करता रहे, अपने पंजे नीचे है यो। पेट पलनियाँ चलते हैं, उन इष्ट दामों पर जाते हैं, पेट के बल ऐसे आगे निशान लगा दिया, फिर वहाँ पहुँच गए उठकर फिर निशान लगा दिया। यानी इस तरह की क्रियाएं कितनी कर ले, नो प्रॉब्लम, नो ऑब्जेक्शन। और माला के 108 मंत्र ने हो गया 6 ऑब्जेक्शन, एक माला पूरी नहीं करने दे, इतने पता नहीं कहाँ कहाँ सोचेगा, चल वहाँ चलते हैं, वो काम था और फलाना था, फिर कर लेंगे, चल छोड़ इसको, फिर क्या था, फिर पता नहीं कहाँ कोई और समस्या आ जा। तो कहने का भाव ये है कि जो क्रिया है वो बिल्कुल आसान है, लेकिन हम उस दूसरी साधनाओं में घने रंगे। अब उस रंग को कति छोड़ना पड़ेगा, वो साधना आप जो पहले किसी तरीके से भी करते थे वो नहीं करनी है। अब जैसे आपको बताई जाती ऐसे ही करना, जैसे राधा स्वामी पंथ से आए हैं बहुत से भक्त, वो कहते हैं जी हमारा तो अभ्यास बन गया, 2.5 घंटे सुबह बैठ कर 2.5 घंटे सामने, तो हम और जब तक ना बैठा हमारा मनसा ना भरता, तो ये नहीं करना आपने, क्योंकि वैसे तो ठीक है बैठे हो, समय मिल गया तो भक्ति करो, कोई दिक्कत नहीं है, मंत्र करो बैठ के करो, लेकिन मेडिटेशन नहीं करना। ये जो ध्यान है ये हठ योग है, और ध्यान की विधि हम बताएंगे वैसे करना। अब जब आपको परमात्मा की चाह बनेगी, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली मेडिटेशन होगा। कैसे होगा? परमात्मा कहते चिंता तो सत नाम की और न चिंता दासी, जय कोई चिंता नाम बिना वाहे काल की फांस। जैसे कहते हैं ना, आप किसी को टेंशन हो जाती है और उस टेंशन में उसका मन की सुई रुक रुक के वहीं जाती है, थोड़ी सी देरी दूर जाती है, तुरंत फिर वहीं पहुंच जाती है। तो कहते हैं या टेंशन तुझे हुई है, ऐसी टेंशन भगवान के नाम की बना। अब जिसको कभी टेंशन हुई हो, जिसको कोई चिंता का विषय गहन बना हो, उसको खूब पता है कि वो किसी से बातें भी कर लेता है 2 मिनट 10 मिनट, उसके तुरंत बाद उसकी सुई उसी टेंशन पर पहुंच जाती है मन। तो इस प्रकार हमने वो ध्यान हमारा है इस परमात्मा के नाम से जोड़ कर रखना या टेंशन बनानी है, और दिस इज मेडिटेशन। यू बैठ कर कर लो, चाहे लौट कर टेंशन कर लो ये मेडिटेशन, अर्चे चलते फिरते कर लो,
तो कहने का भाव यह है, बुद्धिमान समाज आसानी से समझ सकता है कि किस प्रकार ये भक्ति हो सकती है।